ये है हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्रह्मांड के एक हिस्से की सबसे विशाल इमेज। ये देखने में भले ही आपको बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस इमेज में करीब 10,000 गैलेक्सीज को एक ही फ्रेम में कैप्चर किया गया है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज रैंडमली इधर उधर मौजूद हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सच नहीं है? जिस तरह से हमारे सूर्य की ग्रेविटी ने पूरे सौरमंडल को बांधे रखा है, वैसे ही ये गैलेक्सीज भी आपस में ग्रेविटेशन फोर्स से बंधी होती हैं। इनके आपस में मिलने से बनने वाले स्ट्रक्चर ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक होते हैं। इनका आकार और फैलाव इतना है कि हमारा दिमाग भी इसे प्रोसेस करने में परेशान हो जाता है। आज तक किसी ने भी इसके बारे में आपको बताया नहीं होगा, तो चलिए कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। गैलेक्सी ग्रुप्स ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं द्वारा बनाए गए सबसे छोटे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। इनमें कुछ दर्जन गैलेक्सीज मौजूद होती हैं जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधी होती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक ऐसे ही गैलेक्सी ग्रुप में मौजूद है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप में एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी के साथ करीब 50 और गैलेक्सीज हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन सभी को आपस में बांधे रखने के लिए सिर्फ ग्रेविटी का ही नहीं बल्कि डार्क मैटर का भी हाथ है, जो ब्रह्मांड में मौजूद बड़े स्ट्रक्चर को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। गैलेक्सी ग्रुप में मौजूद गैलेक्सीज कई बार आपस में इंटरैक्ट भी करती हैं और कई बार तो इनमें मर्जर्स भी देखे जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा की गई मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से ये पता चलता है कि आने वाले समय में एंड्रोमेडा और मिल्की वे आपस में जुड़ जाएंगी और एक बहुत ही विशाल गैलेक्सी की फॉर्मेशन करेंगी जिसका नाम मिल्कोमेडा होगा। आपस में मर्ज होने के अलावा कई बार ये गैलेक्सीज टाइडल टिल्स नाम के भी ऐसे स्ट्रक्चर की भी फॉर्मेशन करती हैं जिसकी तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैलेक्सी के ग्रुप आकाशगंगाओं द्वारा बनाए गए सबसे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। अब गैलेक्सी ग्रुप से एक लेवल ऊपर बढ़ने पर हमें मिलते हैं गैलेक्सी क्लस्टर्स, तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर में आप ब्रह्मांड में ढूंढे गए वो सबसे विशाल गैलेक्सी क्लस्टर्स में से एक को देख रहे हैं। इस क्लस्टर का नाम है पर्सियस क्लस्टर और इसमें हजारों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर सुपर हीटेड गैस के बादलों से घिरा हुआ है, जिस वजह से नासा ने इस तस्वीर को एक एक्सरे स्पेक्ट्रम में कैप्चर किया था। गैलेक्सी क्लस्टर में गैलेक्सी ग्रुप्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा गैलेक्सीज होती हैं। ब्रह्मांड में मौजूद एक बहुत ही फेमस गैलेक्सी क्लस्टर द कोमा क्लस्टर है। उसमें करीब 1000 इंडिविजुअल गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस क्लस्टर की चौड़ाई करीब 2 करोड़ लाइट ईयर्स है, यानी अगर आप इसके एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट की स्पीड से भी जाने की कोशिश करोगे तब भी आपको 2 करोड़ सालों का समय लग जाएगा। आकाश गंगाओं के अलावा गैलेक्सी क्लस्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज मौजूद होती है और वह है सुपर हीटेड गैस। क्लस्टर में मौजूद इस गैस का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिस वजह से ये बहुत ही चमकीले दिखाई देते हैं। गैलेक्सी ग्रुप की तरह ही इन विशाल क्लस्टर्स को बांधे रखने के लिए भी डार्क मैटर को ही वैज्ञानिक जिम्मेदार मानते हैं। अपने भारी मास के कारण ये इन सभी गैलेक्सीज को ग्रेविटी के द्वारा बांधे रखता है। आइए अब इनसे भी एक और लेवल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स की ओर। अभी तक हमने 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखा जो आकाशगंगाओं के आपस में मिलने की वजह से बनते हैं, लेकिन गैलेक्सी सुपर क्लस्टर के साथ ऐसा नहीं है। एक गैलेक्सी सुपर क्लस्टर तब बनता है जब कई सारे गैलेक्सी के क्लस्टर ग्रुप्स और इंडिविजुअल गैलेक्सीज आपस में मिलकर एक बड़े स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप नाम के एक गैलेक्सी ग्रुप में मौजूद है। ये गैलेक्सी ग्रुप असल में लानिएका नाम के एक सुपर क्लस्टर के आउटर एज में मौजूद है। 52 करोड़ लाइट ईयर डायमीटर वाला ये सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में ढूंढे गए को सबसे विशाल स्ट्रक्चर्स में से एक है। वैज्ञानिकों ने 2014 में लानिएका को डिफाइन किया था और उनके मुताबिक इस सुपर क्लस्टर में करीब 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सुपर क्लस्टर भी ब्रह्मांड के आने वाले सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स के सामने कुछ नहीं है। आइए अब इन गैलेक्सी सुपर क्लस्टर से भी एक लेवल और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गैलेक्सी वॉल्स यानी गैलेक्सी शीट्स की ओर। जब गैलेक्सी सुपर क्लस्टर आपस में जुड़ते हैं तो वो गैलेक्टिक वॉल्स या गैलेक्टिक शीट्स की फॉर्मेशन करते हैं। करोड़ों लाइट ईयर्स की एरिया में फैले ये विशाल स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दीवार जैसे होते हैं।
वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढी गई पहली गैलेक्सी बॉल का नाम द कोमा बॉल था। ये 50 करोड़ लाइट ईयर लंबी, 1.6 करोड़ लाइट ईयर गहरी और पृथ्वी से 30 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सी बॉल है, जिसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। वैज्ञानिक इसके अलावा भी कई सारी विशाल गैलेक्टिक बॉल्स को ढूंढ चुके हैं, जिनमें से एक है द स्लोन ग्रेट बॉल। 1.4 बिलियन लाइट ईयर चौड़ाई स्ट्रक्चर हमसे 1 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, लेकिन वैज्ञानिक इसे द गैलेक्टिक बॉल नहीं बल्कि गैलेक्सी फिलामेंट के नाम के स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में रखते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे बड़े सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब एक गैलेक्सी बॉल का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है या कुछ गैलेक्सी बॉल्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो उनसे गैलेक्सी फिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। ये ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स हैं और इनका साइज सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गैलेक्सी फिलामेंट द हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट बॉल है, जिसे शॉर्ट में SCB या ग्रेट बॉल भी कहा जाता है। यह ब्रह्मांड में ढूंढा गया आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है और इसकी चौड़ाई करीब 10 अरब लाइट ईयर है, यानी कि 10 बिलियन लाइट ईयर्स। एक अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है और ये अकेला स्ट्रक्चर ही 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। ये सोचकर ही आपका दिमाग घूम जाता होगा कि एक ब्रह्मांड में इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी कैसे पॉसिबल है। हालांकि ब्रह्मांड इतना रहस्यमयी है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर इस गैलेक्सी फिलामेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इतना विशाल होने के बावजूद भी ये वैज्ञानिकों द्वारा नवंबर 2013 तक डिस्कवर नहीं किया गया था। आज से करीब 10 साल पहले यानी नवंबर 2013 में अमेरिकन और हंगेरियन एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने स्विफ्ट गामा रे बर्स्ट एमिशन को एनालाइज किया। इन्हीं महाताकतवर धमाकों के कारण ही इस महाविशालकाय ग्रुप की खोज हुई है। तो आखिर ये महाविशालकाय धमाके क्या हैं और कैसे इनकी मदद से वैज्ञानिकों ने 10 अरब लाइट ईयर में फैले इस गैलेक्सी के जाल यानी गैलेक्सी फिलामेंट को ढूंढ पाया है, आइए जल्दी से इसे भी जान लेते हैं। तो गामा रे बर्स्ट हमारे ब्रह्मांड के होने वाले सबसे पावरफुल और चमकीले धमाके होते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इनके पीछे का कोई सॉलिड कारण नहीं पता लगा पाए हैं, लेकिन फिलहाल की रिसर्च एवं स्टडीज इनके होने के दो मुख्य रीजन बताती है, जो ये है। रीजन नंबर 1, कोलैप्सिंग मैसिव स्टार्स, विशालकाय तारों का कोलैप्स होना। जब तारा अपने जीवन के अंत काल में पहुंच जाता है तो वह अपने केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम को हैवियर मेटल्स में फ्यूज करने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब तारे के केंद्र में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और यहीं से तारे के अंत की शुरुआत हो जाती है। आयरन तारे के केंद्र में फ्यूजन रिएक्शन को रोक देता है और तारे का रेडिएशन प्रेशर खत्म होने लगता है। रेडिएशन प्रेशर खत्म होने की वजह से तारे का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जीतने लगता है और इसकी भारी लेयर्स को अपने केंद्र में खींचने लगता है। ये आमतौर पर एक विशाल धमाके के रूप में होता है, जिसे वैज्ञानिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से बुलाते हैं। जब सूर्य से 25 गुना ज्यादा मास वाला तारा ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है तो वह बहुत सारी एनर्जी को अंतरिक्ष में रिलीज करता है। इस एनर्जी में एक बहुत बड़ा पोर्शन गामा रेस का होता है, जो ब्रह्मांड में मौजूद सबसे एनर्जेटिक किरणें होती हैं। इन्हीं खतरनाक एनर्जेटिक रेस के विशाल धमाके को वैज्ञानिक गामा रे बर्स्ट कहकर बुलाते हैं। वहीं इनके फॉर्मेशन का रीजन नंबर 2 है न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स का मर्जर। गामा रे बर्स्ट के होने का दूसरा कारण न्यूट्रॉन तारों या ब्लैक होल्स का आपस में टकराना बताया जाता है। न्यूट्रॉन तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे एक्सट्रीम तारे माने जाते हैं। ये अपने एक्सिस पर 600 रोटेशन पर सेकंड की रफ्तार से रोटेट करते हैं और इनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब ऐसे दो तारे आपस में टकराते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो गामा रे बर्स्ट यानी GRBs पैदा होने का एक कारण हो सकता है। और कुछ ऐसे ही जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो उनमें भी बहुत सारी एनर्जी अंतरिक्ष में रिलीज होती है, जो इन विशाल धमाकों के होने का कारण हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक गामा रे बर्स्ट कुछ सेकंड में इतनी एनर्जी को अंतरिक्ष में रिलीज कर देता है जितना हमारा सूरज अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं कर पाएगा। सूर्य पिछले 4.5 अरब सालों से चमक रहा है और ये ऐसे ही आने वाले अगले 5 अरब सालों तक चमकता रहेगा। इतने लंबे समय में भी ये गामा रे बर्स्ट से कुछ सेकंड्स में निकलने वाली एनर्जी के बराबर एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाएगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने विशाल एक्सप्लोजन होते हैं। अगर इनकी चपेट में पृथ्वी आ जाए तो वह एकदम खत्म हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि इनकी मदद से वैज्ञानिकों ने इस विशाल गैलेक्सी फिलामेंट को कैसे खोजा।
2004 में लॉन्च हुआ स्विफ्ट टेलीस्कोप ऐसे ही धमाकों को अंतरिक्ष में डिटेक्ट करने का काम करता है। अमेरिकन और हंगेरियन एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने रिसर्च करके ये पाया कि ये सब ही गामा रे बर्स्ट एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी कि एक खास एरिया में वैज्ञानिक इन धमाकों को कुछ ज्यादा ही होता हुआ देख रहे थे। इन्हीं गामा रे बर्स्ट को एनालाइज करके वैज्ञानिकों ने सबसे बड़े स्ट्रक्चर हरकुलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट बॉल की खोज की। ये विशाल स्ट्रक्चर आइंस्टीन के कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को तोड़ता है। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यानी अगर आप ब्रह्मांड के दो अलग अलग हिस्सों को आपस में कंपेयर करेंगे तो उनमें आपको ना के बराबर डिफरेंस दिखाई देंगे। इसके अलावा आइंस्टाइन ने अपने कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल में यह भी मेंशन किया था कि ब्रह्मांड में कोई भी स्ट्रक्चर मैक्सिमम 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स जितना विशाल ही हो सकता है, इससे ज्यादा विशाल स्ट्रक्चर होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन SCV आइंस्टाइन द्वारा दी गई लिमिट से करीब 10 गुना ज्यादा विशाल है, जो उनके कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर यूनिवर्स की इवोल्यूशन थ्योरी को भी चैलेंज करता है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से 13.8 अरब साल पहले एक विशाल धमाके से हुई थी। उस समय हमारा ब्रह्मांड एक छोटा सा बिंदु हुआ करता था, जिसे सिंगुलरिटी भी कहा जाता है। इस सिंगुलरिटी में होने वाले कुछ डिस्टरबेंस की वजह से ये बहुत तेज स्पीड में फैलने लगा और इसने इस विशाल ब्रह्मांड का रूप ले लिया। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि हरकुलिस बॉल हमसे 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, यानी उससे आने वाली लाइट 10 अरब साल पुरानी है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड के इतने विशाल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन उसके पैदा होने के मात्र 3.8 अरब साल बाद, यानी 380 करोड़ साल बाद ही हो गई थी, जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। लेकिन इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अभी तक हमने ब्रह्मांड की एक्चुअल उम्र को कैलकुलेट नहीं किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की एक्चुअल उम्र 26.7 अरब साल है, यानी 2670 करोड़ साल, जो फिलहाल वैज्ञानिकों द्वारा मानी जाने वाली उम्र से 2 गुना ज्यादा है। ब्रह्मांड की उम्र से जुड़ी और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशन से वैज्ञानिक पहले भी जूझ चुके हैं। हरकुलिस बॉल यानी ये विशाल गैलेक्सी फिलामेंट उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस में एक नया पहलू है। ये स्ट्रक्चर अपने साइज से तो वैज्ञानिकों को हिला ही चुका है, साथ में ये इतने सारे बेसिक फिजिक्स के नियमों को तोड़ता है कि इसके ओरिजिन को समझना वैज्ञानिकों के लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई स्ट्रक्चर मौजूद होगा या नहीं, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साइमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।